जय हिंद दोस्तों, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा जूलॉजी पार्ट में ये होगा हमारा आखिरी टॉपिक यानी 10 नंबर का पार्ट। इसी की वीडियो में हम सारे के सारे एमसीक्यू लिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग लिए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है RRB ग्रुप डी NTPC वालों ने उनके लिए। देखिए पहले इसी वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और क्वेश्चन आंसर भी लगाइए, कितना सही कितना गलत कर रहे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये होगा हमारा आखिर टॉपिक। इसका बाद हमारा आएगा फिजिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। पहले हम बायोलॉजी का सारी चैप्टर बारी बारी कैसे क्लियर कर चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, इसका ये होगा हमारा 10 नंबर का पार्ट, पहले 1 से लेकर 9 तक का पार्ट अब हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप इसको भी पहले देख लीजिए। तो यदि हमारा चैनल पर अभी तक नहीं जुड़ा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इकोलॉजी के बारे में, जो एनवायरनमेंट स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी कहते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम सिलेक्टेड लिए हैं, उनको आज हम डिस्कशन करेंगे, सारी की सारी MCQ रहेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा द टर्म ऑफ इकोलॉजी फर्स्ट गिविन बाय डैश, जो टर्म होता है जो इकोलॉजी का टर्म होता है, जैसे कि हमारा स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट किसको कहा जाता है, इकोलॉजी को बोला जाता है। तो इकोलॉजी को हम पहले फर्स्ट जो गिविन किए हैं किसने किए हैं, इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, रिटर। ठीक है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार लगा दीजिए। द टर्म ऑफ इकोलॉजी फर्स्ट गिविन बाय रिटर, कभी मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका इकोलॉजी होता है। जैसे कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, इसका रिलेशनशिप को इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है लिचेंस व्हिच आर कैपेबल इनएक्टिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन एवर ऑन ए बेयर रॉक आर एक्चुअली सिम्बोटिक एसोसिएशन, इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, आल्जे एंड फंगी, ये दोनों मिला के हमारा लिचेंस बनते हैं। देखिए इसको आप लोग ध्यान दीजिए, कई सारे एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हमारा द टर्म इकोसिस्टम इज फर्स्ट गिविन बाय डैश, देखिए पहले इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम ये दोनों काफ़ी अलग है, अब इसके कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा। इसका जो सही जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, टेंसले। देखिए जो इकोसिस्टम को हम टेंसले दिए हैं, इकोलॉजी को हमारा रिटर ने दिए हैं, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द पैरासिटिज्म, इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा सही जवाब, एसोसिएशन इन व्हिच वन स्पेसिस इज बेनिफिटेड एंड कॉज हार्म टू अनदर स्पेसिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइटिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ए फूड चेन, इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर ए उसका सही जवाब, डायटम क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग्स, इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट सिक्वेंस हमारा फूड चेन के अंदर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए फूड चेन, इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ग्रास गोट एंड ह्यूमन। तो नेक्स्ट हमारा देखिए प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर बी कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी होता है प्रोड्यूसर, एक की एग्जाम्पल होता है हमारा पेड़ पौधों ने, ये सारी की सारी प्रोड्यूसर होता है, तो ग्रास का इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज डैश, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब सनलाइट होता है। नेक्स्ट हमारा इन ए इकोसिस्टम द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैश, इसका जो सही देखिए ऑप्शन नंबर ए उसका सही, प्राइमरी प्रोड्यूसर, इकोसिस्टम का जो लार्जेस्ट नंबर होता है सबसे बड़ी जो होता है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जैसे कि हमारा फूल पौधे जो हमारा पेड़ पौधे यानी ग्रास, इसको सारी की सारी हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, इसका जो मेन सोर्स होता है सनलाइट होता है। तो नेक्स्ट हमारा देखिए व्हाट इज फार्मिंग एलोंग द एनिमल हस्बेंडरी कॉल्ड,
इसका जो सही देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मिक्स्ड फार्मिंग, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप इसको भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है सॉइल एरोशन कैन बी कंट्रोल बाय डैश, इसका जो सही देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बाय अफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्लड कैन बी चेक्ड आउट, इसका जो सही देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बाय मेकिंग डैम एंड प्लांटिंग द ट्री। नेक्स्ट हमारा देखिए द सोर्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर डैश, इसका जो सही देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बायोटिक रिसोर्स। तो नेक्स्ट हमारा देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज, जो सह्याद्री रेंज होता है एंड जो हिमाद्री रेंज होता है, ये दोनों को आप लोग ध्यान से देखिए। पहले जो सह्याद्री होता है ये वेस्टर्न घाट से होता है, जो हिमाद्री होता है ये ईस्टर्न घाट से बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो सह्याद्री हिमाद्री देखिए ऐसे करके हमारा मैप होता है, ठीक है, जो हमारा लास्ट पॉइंट में ये होता है श्रीलंका, उसके बारे में देखिए जो सह्याद्री होता है ये होता है इधर से होता है सह्याद्री और इधर से होता है हिमाद्री, ये दोनों का आप लोग ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा हमारा ईस्टर्न घाट, ये हो जाएगा हमारा वेस्टर्न घाट, आप भी कंफ्यूज मत होना, ये कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप इसको ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। आप काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल को हम लोग लिए हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है रिड्यूस लीव द संकेन स्टोमाटा आर द मेन फीचर ऑफ डैश, इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, जेरोफाइटिस। देखिए कम पानी ग्रहण करने वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जेरोफाइटिस, जैसे कि हमारा खजूर एक जेरोफाइटिस का अच्छा उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट हमारा देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, तो फॉल्स फ्रूट किसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए अपुल ये एक अच्छा एग्जाम्पल होता है फॉल्स फ्रूट, जैसे कि हमारा देखिए जो राइट साइड में जो इमेज दे रखा है इधर से बोलेंगे फॉल्स फ्रूट, इसको बोलेंगे रंग जो ट्रू फ्रूट, इसको आप लोग पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा देखिए व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली कंपेयर इज द लिचेंस एंड मोसेस, इसका जो सही जो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तुंद्रा फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है एपीफाइटिस आर फाउंड इन दोज प्लेस वेयर डैश, इसका जो सही जो देखिए ऑप्शन नंबर सी रेनफॉल अकर ऑल ओवर ईयर, जो एपीफाइटिस होता है ये सारी की सारी जो जैसे कि सबसे ज़्यादा पानी में ये जो उगते हैं ये पौधे, इसको हम लोग बोलते हैं एपीफाइटिस। नेक्स्ट हमारा देखिए जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड इज डैश, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम किसको बोला जाता है वर्ल्ड का, ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा यानी समुद्र होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए व्हेन वी ईट द फ्लेश ऑफ गोट वी आर डैश, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। जो चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है वी ग्रो सोलार एनर्जी फ्रॉम डैश, ये जो सोलार एनर्जी हम किससे मिलते हैं, सूर्य से मिलते हैं, हमारा सन हो जाएगा सही। नेक्स्ट हमारा देखिए इन फूड चेन एनर्जी ट्रांसफर, इसका जो सही जो कि ऑप्शन नंबर जो होता है सी हो जाएगा सही, हमारा फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गेनिज्म, तो वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गन को हमारा फूड ट्रांसफर होता है, फूड चेन एनर्जी ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए जो हाइड्रोफाइटिस होता है ये किसे उगते हैं, ये जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो एक्वाटिक प्लांट होता है ये हाइड्रोफाइटिस होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं जेरोफाइटिस कहाँ मिलते हैं, जेरोफाइटिस हमारा मरुस्थल वगैरह में हमारा मिलते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हमारा, नेक्स्ट हो गया हमारा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक जेरोफाइटिस प्लांट, इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, कारेल, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अबाउट ई कंपोनेंट आवर एनवायरमेंट डैश, यानी अजैविक के कंपोनेंट किसको बोला जाता है, जैसे जो जीव वगैरह नहीं होता है इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, एयर। नेक्स्ट हमारा देखिए हाइड्रोफोनिक रिलेटेड टू डैश, इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक, जो प्लांट ने विदाउट सॉइल से ग्रोथ करेगा इसको हम लोग कैटागोरी को हम बोलेंगे हाइड्रोफोनिक्स। पहला हमारा जेरोफाइटिस एंड जो हाइड्रोफाइटिस, ये दोनों को आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए ये सारी की सारी आरआरबी ये सारी की सारी रेलवे में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा चांस है, आप इसको भी ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हमारा देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है एपीफाइटिस आर प्लांट व्हिच डिपेंड
एंड अदर प्लांट आर डैश। इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, मैकेनिकल सपोर्ट। इसको पहले ध्यान दीजिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, फाइटोट्रॉन इज फैसिलिटी टू डैश। इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ग्रो प्लांट अंडर कंट्रोल कंडीशन। देखिए ग्रो प्लांट अंडर कंट्रोल कंडीशन को इसको हम लोग फाइटोट्रॉन्स। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट ब्लूम ड्यूरिंग नाइट बिकॉज। इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, द डेजर्ट इंसेक्ट आर एक्टिंग ड्यूरिंग नाइट टाइम। इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, द रेशियो ऑफ फॉरेस्ट एरिया नीडेड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया। इसका जो सही जवाब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी स्टार मार्क लगा दीजिए। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 33.3% होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल इकोसिस्टम। किसको हम लोग देखिए मोस्ट सुइटेबल इकोसिस्टम में माना जाता है। इसको जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, सी होता है यानी समुद्र होता है। ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे, द सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस इज सिचुएटेड एट डैश। इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगालोर। बेंगालोर में हमारा इकोलॉजिकल साइंस सिचुएटेड होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान से देख सकते हैं, कभी मत भूलना इसी क्वेश्चन को। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है RRB ग्रुप डी वालों ने। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इकोसिस्टम इज डैश। इकोसिस्टम क्या होता है। इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर सी होता है, बोथ ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग अपन कम्युनिटी। तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट देखेंगे हमारा, यदि हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, अच्छा लगा तो जरूर लाइक दबा दीजिए। तो चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवरस प्लांट। जो कार्निवरस प्लांट का एक उदाहरण जो कि एक एग्जाम्पल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब जो होता है, सिंडो वेनस फ्लाई ट्रैप पिक्चर प्लांट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, आप इसको भी ध्यान से देखिए, स्टार मार्क लगा दीजिए, हो सके ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे, इन ए फूड चेन मैनेज डैश। जैसे कि हमारा फूड चेन अंदर में मैन किस कैटेगरी में आता है। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी आज वाले आज सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाय डैश। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होता है, लिंडेनमैन। तो नेक्स्ट देखेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द टॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। इसका जो सही जो ऑप्शन नंबर बी, 10%। तो आप इसको भी ध्यान दीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो जो इम्पोर्टेंट मैं कह चुकी हूँ, जो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट देखेंगे, प्लांट ऑफ एनिमल लिविंग इन ए पर्टिकुलर या कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट देखेंगे हमारा, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इंटायर कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल। इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी साइनेकोलॉजी होता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसिस लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन। इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा सही, बायोटिक कम्युनिटी। तो नेक्स्ट देखेंगे, सो हमारा देखिए, द इम्पोर्टेंट ऑफ इकोसिस्टम लाइ ऑफ डैश। इसका जो देखिए जो इकोसिस्टम किससे इम्पोर्टेंट का रोल प्ले करता है, इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर सी होता है सही, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल एंड जो फ्लो ऑफ एनर्जी, ये दोनों मिला के हमारा इकोसिस्टम बनते हैं। जैसे कि साइकिलिंग ऑफ मिनरल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, ओवरऑल ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट हमारा देखिए, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज इज ए नेचुरल कम्युनिटी डेवलपमेंटेड। इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूड वेब में होता है, जो वन फ्रॉम टू अनदर ऑर्गेनाइज को नेचुरल कम्युनिटी डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लेंस एज इट पासेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल
दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय डैश। इसका जो सही सही जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। नेक्स्ट देखेंगे जो पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज डैश। इसका जो सही जो है देखिए ऑप्शन नंबर डी, बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड डिपेंडिंग अपन इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो बी डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज डैश। इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, ये तो था लगभग 50 क्वेश्चन, ये सारे के सारे एमसीक्यू था। आपको कैसा लगा जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्ती के साथ शेयर कीजिए। अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग नहीं ज्वाइन हुआ तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सारी लिंक अवेलेबल है, आप इसको भी ज्वाइन करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज ही इतना, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।